नमस्कार, मैं हूँ कार्तिक और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल खबर अब तक में। चलिए बात करते हैं आज की तारीख के इतिहास के बारे में। आज है 20 मई। आज ही के दिन 1900 में हिंदी जगत की प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1918 में 1947 के भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय सेना के वीर सैनिक पीरू सिंह का जन्म आज हुआ था। 1929 में आज ही के दिन राजकुमार शुक्ल का निधन हुआ था। वह स्वतंत्रता सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक थे। आज ही के दिन 1932 में भारत में गरम दल के नेता और क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्रपाल का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1957 में टी प्रकाशम का निधन हुआ था। वह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आज ही के दिन 1972 में ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का निधन हुआ था। आज ही के दिन 2000 में फिजी में जॉर्ज स्पैट बने अंतरिम प्रधानमंत्री। और आपको मैं बता दूं, आज ही के दिन 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंदुओं की अलग पहचान के लिए एक ड्रेस कोड बनाया था। आज ही के दिन 2011 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मध्य प्रदेश के बीना में हजारों करोड़ की लागत से बनी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की थी। यह भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, ओमान ऑयल कंपनी और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से बनी विश्व स्तरीय परियोजना थी। 2011 में झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल करते हुए पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा था। आज के दिन 2012 में प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवादी विद्वान लीला दुबे का निधन हुआ था। आशा है आपको आज की तारीख का इतिहास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे नए नए नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम डेली मिलते रहें।